हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम बात करने वाले हैं कैमरों के बारे में, यानी कि बड़े वाले कैमरे नहीं, स्मार्टफोन वाले कैमरे। तो यार हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास है अभी वीवो का Z1 Pro, ठीक है। तो मैंने क्या, एक दिन फोटोग्राफी कर रहा था तो मैंने इसके तीनों कैमरे टेस्ट किए। ये रहा मेरा वीवो का Z1 Pro, ठीक है। मैंने इसको ख़रीद लिया। मैंने इसको इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि इसमें ट्रिपल कैमरे थे और अच्छी डिस्प्ले थी, तो मैंने सोचा यार ट्रिपल कैमरा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर का 32, सामने का 32 मेगापिक्सल, यहाँ पर 16 फलाना ढेंकड़ा के लगा कर रखा है। तो मैं एक दिन फ़ोटो खींच रहा था, फोटोग्राफी ऐसे ही टेस्ट कर रहा था, तो मेरा क्या है, हाथ एकदम से इस कैमरे के जो सबसे नीचे वाला कैमरा है ना, इसके ऊपर चला गया। अब मैंने क्या किया कि सारे मोड ट्राई कर लिए मैं, बार बार कोई मोड ये डाल रहा हूँ, कभी ये डाल रहा हूँ, कभी ये डाल रहा हूँ, किसी के ऊपर ये जो सबसे नीचे वाला कैमरा नहीं, वर्क ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा माइक्रो होगा, सब्जेक्ट के नज़दीक लेकर गया और वो जो माइक्रो वाले जो भी है सिस्टम उनको ऑन किया, नहीं चल रहा यार। मैंने सारे सिस्टम इसमें जो है अप्लाई कर दिए पर ये चल ही नहीं रहा है। नीचे वाला जो कैमरा दिख रहा होगा ना आपको, ये सबसे नीचे वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये लीजिए, ये जो टेप है ना, देख रहे होंगे आप, ये वाला टेप, इसको इसके ऊपर, नीचे वाला जो कैमरा है ना ये पूरा ढक चुका है। देखिए इसमें तीन कैमरे है, 1, 2 और ये 3, तो तीनों में से मैंने एक के ऊपर तो टेप ही लगा दिए, ठीक है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ हर एक एंगल के लिए। ओके, कैमरा मैंने खोल लिया है, सब कुछ कैमरे में आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको अलग अलग एंगल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए माइक्रो, एक बार इसमें जो भी है ना, मैं सबसे फर्स्ट वाले पर डॉक्यूमेंट, ओके, क्लिक कर दी मैंने फ़ोटो, कुछ भी नहीं, यानी कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद PRO, ये जो मॉडल जो भी है ना, इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं नज़दीक ले जाने पर और ये पास लाने पर, PRO, ये जो भी है ना इसके ऊपर रख दिया मैंने। उसके बाद ये जो है ना पैनारोमा, इसमें इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये एक सिंगल कैमरे पर भी काम करता है। नाइट शॉट, ओके, ये जो नाइट शॉट है ना, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ नाइट शॉट को, ये देखिए नाइट शॉट के ऊपर मैंने लगा दिया है नाइट शॉट, फोटो मैंने क्लिक कर दी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसके AI, अभी ये AI के ऊपर चल रहा है, ठीक है, AI ब्यूटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फोटो, नॉर्मल फोटो के ऊपर अभी ये चल रहा है, और वीडियो में तो इसका कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए वीडियो ऑन है, वीडियो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसका जो है ये फनी वीडियो, ये जो भी फनी वीडियो है ना, ओके, ये वर्क कर रहा है, मेरे इसमें जो भी बनाया हुआ है ना इसके अंदर ही था, तो ये ओके ओके, ठीक है। अब इसके अंदर ये लास्ट है जिसको हम मैन्युअली कंट्रोल करते हैं ना, वो वाला, नहीं सॉरी, ये दूसरा, ये कुछ जो भी है सब यहीं पर है, पर ये किसी भी मोड में काम नहीं कर रहा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी भी इसके पीछे की साइड में लगाया हुआ टैप। ओके, तो ये क्या हुआ, ये धोखा हो गया मेरे साथ, यानी कि Vivo Z1 Pro जो स्मार्टफोन है, इसमें कैमरे के साथ हमारे साथ ये कंपनी ऐसा कर सकती है। तो सोचो, अंदर 5000 की जो बैटरी है, किसे पता 5000 mAh की है, अंदर का जो प्रोसेसर है इसमें बता रहे हैं 712 नंबर प्रोसेसर है, किसे पता 712 नंबर प्रोसेसर है। तो कंपनियां कुछ ऐसा कर रही है हमारे साथ कि भाई हम जो है फीचर पढ़ करके उस फोन को खरीद लें। तो एक्चुअल में जो है अभी कंपनियां ऐसा कर रही है, मेरे साथ ये हो चुका है यार, जब मैंने इस Vivo Z1 Pro का कैमरा टेस्ट किया। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आज का ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी मालूम पड़े कि यार कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको सिर्फ उसकी डब्बे पर लिखी हुई चीज़ों को देख कर ही ना ले लें, उसका जो है प्रैक्टिकल करें, उसके बाद ही जो है मालूम चल सकता है इस चीज़ का। तो बस ज़्यादा तो अब क्या बताऊँ यार इस चीज़ का, बस यही था। कुछ टेस्ट है जो शायद तक मैंने डाल दिए होंगे या फिर अलग से अब डाल दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।